Hello class 4 students, welcome all of you in this online class. So today I am going to solve exercise 3.8. okay, in this exercise we have to find the addition using a estimation method. okay, so estimated addition humko find karna hai, isme estimate karke find karna hai. to pehle estimate value find out karna hai, uske baad humko kya karna hai, usko add karna hai. theek hai, so chalo without any further ado let's start our class. so exercise 3.8. Exercise 3.8. So in exercise 3.8 you have given question number 1, that is estimate the sum of the rounding of each to nearest 10. तो nearest कितना करना है बच्चों, nearest कितना करना है, 10 करना है. so numbers आपके पास given है, given numbers दो इस तरह से बनाना है आपके पास, given numbers 54 and 27, given numbers 54 and 27. so what you have to do here, you have to फर्स्ट राइट द राउंडिंग ऑफ ए नंबर. सो राउंडिंग ऑफ द गिवन नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10. सो कितना आएगा बच्चों, 54 का जब राउंडिंग करोगे, 54 इज राउंडेड, ऑलरेडी आप लोग को पता है ना, पहले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं किस तरह से राउंडेड करते हैं. राउंड टू कितना हो जाएगा ये 54. टेंस के लिए हमको देखना है क्या, वंस प्लेस. टेंस के लिए क्या देखना है बच्चों, वंस प्लेस. अगर वंस प्लेस में 5 या फिर 5 से ज़्यादा रहता है तो इसमें 1 प्लस होता है, वरना नहीं होता. तो बाकी टेंस बोलेगा तो वंस वाले को 0 कर देना है, और अगर यहाँ 5 या 5 से बड़ा है तो इसमें एक प्लस करना है, वरना कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ 5 रह जाएगा 50. अब 27 इज राउंडेड ऑफ 2. 27 है बच्चों, तो 27 वंस को क्या करना है, 0 कर दो आप, और 5 से बड़ा है उसमें क्या करो, एक प्लस करो, दैट इज सो क्या कर दो, 3 कर दो. अब एस्टिमेट सम निकालो, एस्टिमेटेड सम निकालो, यानी कि इस वैल्यू से. तो 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा बच्चों, 80 हो जाएगा. अब एक्चुअल निकालना है, एक्चुअल मीन्स क्या, ये दोनों को, तो कितना हो जाएगा, 54 प्लस 27, 7 4 5 2 7 1 8, 80. देखो आसपास है ना, ठीक है. तो ये आपका इस तरह से होता है एस्टिमेट, ठीक है. अब मैं 3 डिजिट का ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर एच, ये आपका ए था. एच में जो नंबर गिवन आपके पास गिवन है, कौन कौन सा नंबर गिवन है, 675 829 and 343. सेम लिखना है आपको, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 करना है ना, राउंडिंग ऑफ द गिवन नंबर्स, गिवन नंबर्स नियरेस्ट 10 करना है. तो जो नंबर गिवन है उसको नियरेस्ट 10 करना है. तो सबसे पहला चीज़, 675 इज़ राउंडेड ऑफ 2. सो ये वंस को ज़ीरो करना है आपको, वंस को ज़ीरो कर देना है. तो ये 5 है, एक प्लस हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा, और ये कुछ नहीं है, तो इसको एज इट इज़ रखना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है बच्चों. अब जो नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से अब इसको 829 इज राउंडेड ऑफ, राउंडेड ऑफ 2 अब यहाँ पे करना है बच्चों. तो इसको राउंडेड ऑफ करोगे तो ये आपका क्या, वंस प्लस 0 हो जाएगा. उसके बाद क्या करना है, इसको 5 से बड़ा है, देखो इसमें एक प्लस होगा, एडिट 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और ये तो कुछ नहीं, यहाँ तक करना ना आपको, इसको जैसा है वैसे ही रख लेना, ठीक है. उसके बाद 343, नेक्स्ट 343 इज राउंडेड ऑफ 2, राउंडेड ऑफ 2 यहाँ पे वंस डिजिट है, 0 कर दो आप, तो यहाँ पे 5 से छोटा है तो कुछ भी प्लस नहीं होगा, तो यहाँ पे एज इट इज़ 4 जैसा है वैसे ही रहेगा, और ये 3 रह जाएगा. अब इसे क्या करो, जो एस्टिमेटेड सम होगा इस वैल्यू को लेके सम करो, एस्टिमेटेड सम, एस्टीमेटेड
सम फाइंड करो, 680 प्लस 830 प्लस 340, इसको ऐड करो, 0 0 0, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 8 15, 1 4 8 4 12, 12 और 6 18, इस तरह से करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एस्टिमेटेड सम। तो बच्चों, जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में एस्टिमेटेड नियरेस्ट 10 किया था, अब यहाँ पे नियरेस्ट 100 करना है। कितना करना है? नियरेस्ट 100 करना है। सो राउंडिंग ऑफ गिवन नंबर्स नियरेस्ट 100। सो फर्स्ट 1792 इज राउंडेड ऑफ 100 हो रहा है ना, 100, तो वंस टेंस 100, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे 100 हो रहा है उसके बाद जो इधर राइट साइड में उसको वो पहले 0 0 कन्वर्ट कर दो, फिर 100 के लिए टेंस वाले को देखना पड़ेगा। टेंस वाला क्या है, 5 से बड़ा है तो इसमें एक प्लस करो, वरना नहीं करो। 5 या 5 से बड़ा रहेगा इसमें प्लस करना है, तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8, यहाँ पे 1, अब 8 9 1 5 इज राउंडेड ऑफ, इन दोनों को 0 कर दो, वन टेंस है ना, अब यहाँ पे देखो टेंस वाला में क्या है, 1, 5 से छोटा है ना, ये नहीं, बस टेंस वाला 100 यहाँ हो रहा है, टेंस वाला 100 के लिए टेंस वाला देखना पड़ेगा, टेंस के लिए वंस वाला, और 1000 के लिए 100 वाला देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ 100 हो रहा है उसके बाद जितना भी डिजिट बचा सबको 0 0 कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ प्लस नहीं होगा तो 9 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा, अब यहाँ पे 7 2 8 4 इज इन दोनों को 0 कर देना है पहले। अब यहाँ पे देखो टेंस प्लेस में क्या है, 8 है यानी कि बड़ा है 5 से, तो इसमें प्लस होगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, और ये 7, अब इन दोनों को तीनों को प्लस कर देना है, लिखना है एस्टिमेटेड इसको आप प्लस कर दो, ठीक है। ये 0 0 आ गया आपके पास, 3 9 3 12, 12 8 20, 20 के 0, 2 कैरी हो गया, तो यहाँ तक हो गया आपका। उसके बचा ये 7, 7 प्लस 8 15 प्लस 1 16 प्लस 2 18, तो ये हो गया आपका आंसर, एस्टिमेटेड सम ये हो गया, अब उसका एक्चुअल निकाल दो आप। तो इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में राउंडिंग ऑफ करना है 1000 का। राउंडिंग ऑफ करना है किसका, 1000 का राउंडिंग ऑफ करना है, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन नंबर और मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर एफ, सिर्फ मैं राउंडिंग करके दिखाता हूँ, है ना, ये सब लिख लेना आप, है ना। तो राउंडिंग करके मैं दिखाता हूँ, तो आपको 292 इज राउंडेड ऑफ, राउंडेड ऑफ नियरेस्ट 100, तो कितना हो जाएगा, तो वंस टेंस यहाँ हो रहा है तो दोनों को 0 कर दिया मैंने, टेंस वाला 9 है, 5 से बड़ा, इसमें प्लस होगा, 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 401 इज राउंडेड ऑफ नियरेस्ट 100, सो ये दोनों को 0 कर दिया मैंने, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसमें प्लस क्या होगा, 4, ठीक है। अब क्या होगा, 736 इज राउंडेड ऑफ नियरेस्ट 100, सो यहाँ पे कितना, 2 डिजिट है, दोनों 0 हो गया, और टेंस वाला क्या है, 5 छोटा है तो कुछ भी प्लस नहीं होगा, 7 हो जाएगा। अब इसको एस्टिमेटेड सम फाइंड आउट करना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, करना आप लोग अच्छे से, ठीक है, अच्छे से देखोगे वीडियो को पूरा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एस्टिमेटेड सम 300 प्लस 400 प्लस 700, इसको प्लस कर दोगे तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7, 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 14, और ये 2 0 बैठा दो, ठीक है। तो इस तरह से आपका बनता है। अब ये 1000 वाला है बच्चों, तो 1000 वालों को 1000 की तरह एस्टिमेट करना है, बस सिंपल है, और कुछ नहीं करना है,
थाउजेंड को थाउजेंड की तरह सिंपल करना है, उसके बाद आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है। 1,224 बॉयज़ एंड 1,073 गर्ल्स इन अ कॉलेज, तो टोटल करना है इसको एस्टिमेट कैसे, स्टूडेंट नंबर राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 100 करके करना है, बोल रहा टोटल करना है, टोटल यहाँ भी टोटल फाइंड करना है, इसको इसको टोटल फाइंड करना है, लेकिन कैसे, नियरेस्ट थाउजेंड, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो अच्छे से आप इसको कीजिए, ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।